Welcome to this weekly vlog on my channel. I am very late, so I will just directly jump to the conclusion. Conclusion नहीं बोलना था, कुछ और बोलना था. To the intro of this video, I am on my way to meet two of my friends, my girlfriends, Pankaj and Pushpa. लड़की का नाम पंकज नहीं हो सकता. Pinky and Pushpa. I'm just gonna have a chill time. It's a weekday. It's Thursday. We're just gonna have a chill time where they're gonna roast me and what the hell? Because they literally insulted me on the call at least 5 times already for coming late, for never being on time, for being a shitty person and what not. I should just stop demeaning myself. Okay, this is better because I've attached a tripod to my phone and log haath se phone pakadke kaise vlog karte hai. Because this iPhone 11 weighs 70 to 80 kgs and I'm literally just 10 kgs. So I'm on my way and I'm very late, so I'll just leave and like just run. जाने से पहले मैं आप सबको जीविका का क्यूट क्यूट मेकअप दिखाना चाहती हूँ. एक आंख में थोड़ा ज्यादा हो गया और एक आंख में डाला ही नहीं क्या? वो डाला है. जीवी, whom is this makeup inspired by? अच्छा, खुद से. ओके, तुम्हें प्रिटीनेस किससे आया है? आपसे. मेरे से आया? वाओ. जीवी, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तो तुम क्या इंस्टाग्राम और यूट्यूब के फैन को बुलाना चाहती हो अपने बर्थडे पे? आपको हाँ अच्छा विवान घर पे रहता है, घर पे लेता है, तो बर्थडे कैसे करेगा? अरे बराबर है, बराबर है, ऑप्शन ही नहीं. सारी आंटी को और मेरे फ्रेंड्स को. ओके, और इंस्टाग्राम के लोगों को नहीं? ठीक है नहीं तो नहीं, ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का, बिंदास रहेगा एकदम बिंदास. यूट्यूब के फैमिली को नहीं? हमारा एक यूट्यूब फैम भी है, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, तो हमारे जो जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उनको बुलाना है? नहीं, ठीक है. अच्छा, थोड़े ही फ्रेंड्स को, सबको नहीं. वो फ्रेंड को बुलाओगी तुम, सोहन को, जिसने तुम्हें टकलू बोला था? नहीं. ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन ओवर देयर. ठीक है गाइस, मेरे फ्रेंड्स तो मुझे पता नहीं किधर है, पड़ी उनके हाउस हेल्प्स है. हाय हाय. ये इतना स्लो आने वाला है का पानी. तुम लोग ब्लॉग में आ रहे हो, फेकेस्ट एक्साइटमेंट एवर. याद ना, मेरे को तेरे जीन्स बहुत कूल लगा, किधर से लिया? है. रीना, तेरा आउटफिट दिखाऊं? नहीं, ये फटेगा. दीज आर माय फ्रेंड्स गाइस, से हाय टू यादना एंड रीना. और रीना का बहुत ही प्रिटी रूम. नहीं, बहुत पैसे. रीना का बहुत ही क्लीन और प्रिटी रूम. वाह 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 वाह, मेरे को भी. अरे मैं आज कबर्ड साफ कर रही थी, इतने सब ऐसा बाहर निकला हुआ. बिकॉज रीना हम तीनों में सबसे ऑर्गेनाइज्ड एंड सबसे क्लीन एंड मैसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं. मैं भी ऐसे आई इधर और ऐसे फिर मैंने उसका फुटेज लिया नहीं तभी, बट एनी वेज. सबसे क्यूट चीज लगी है रीना ने, जो खुद को पैम्पर करके रखा है. मैंने खुद लिया, ये मनोज ने दिया मेरे को. रीना बहुत केपेबल ऐसे खुद को पैम्पर करने से. रीनू लिखा है. ओ, रीनू लिखा है तो ये रीना नहीं करेगी. रीना अगर लेगी तो वो शायद रीना लिखेगी ना, रीनू नहीं लिखेगी. इतना भी ऑप्शन. भले ही गिफ्ट मनोज ने दिया है, डायरेक्शन सारे मैंने दिया है, विद कलर, विद द नेम, विद एवरीथिंग. शाउट आउट टू मनोज गाइस, से हाय टू मनोज. हाय मनोज, यू वांट टू सी मनोज? हियर इज मनोज. या मनोज, दिस इज मनोज. मनिया भाई, मनिया भाई माना सुरवे. यू कैन गिव शाउट आउट ना, उसका भी तो YouTube चैनल है. ओ हाँ, उसका यूट्यूब चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. क्या है? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. दो लोग क्यों बात कर रहे हैं? एक मिनट. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. गाइस, मनोज राजगोपाल, फाइनेंस विद मनोज. फाइनेंस विद मनोज. हम लोग यहाँ पे किधर, तो उसका ऊपर ऐसा नीचे उसे ये तो पता, लेकिन चैनल क्या होता है उसके चैनल पे? क्योंकि मेरे चैनल पे सब गधड़े और दगड़े लोग हैं मेरे जैसे. मनोज बहुत एलीट है हमारे कंपैरिजन. दुनिया का सबसे रैंडम हॉल, फूड हॉल अगर देखना है तो ये देखिए. डार्क फैंटेसी, फिगारो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, स्पैनिश ब्रांड, चिल्ली फ्लेक्स, डार्क फैंटेसी. ये डार्क फैंटेसी का हाइड एंड सीक है. ये हाइड एंड सीक का चोरी किया हुआ डिजाइन डार्क फैंटेसी ने डाला है. एनो, हाँ याद ना, ज्यादा एलीट बनने का जरूरत है. ओरिगेनो है वो. शरदी, इतना भी नहीं समझ में आता है, तू सुमंगल शिफ्ट हुई हमारे सोसाइटी से, इसका मतलब ये नहीं कि तू क्लासी बन गई. तेरे सोसाइटी में गार्डन भी नहीं था, समझा? ज्यादा ब्लैंक मत बिहेव कर, दे कम बैक. डिनर में मेरे लिए ऐसे कपड़े लाए हैं जो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मालदीव्स जाना पड़ेगा उसके लिए. लाए हैं? हाँ, गोवा से. गोवा से? वाओ, सो क्यूट. क्या है वो? दोनों शरदी को होगा, मतलब व्हाट डू यू मीन? मैं जाती हूँ जिम. शरदी, ये तुझे हो जाएगा क्योंकि ये छोटा. बाप रे, ये पहन के मैं निकली, मेरी माँ तो
मर्डर कर देगी मेरा। शादी करने पड़ेगी फिर तुझे, शादी करके भी वो अलाउड नहीं रहेगा। अरे हनीमून पे मालदीव्स में पहन ले, उसके लिए तो शादी कर। मैं ये ब्रालेट पहनने के लिए शादी करूँ? काम धंधा नहीं है मुझे। मैं अगर ये ब्रालेट पहनने के लिए एक मालदीव्स का ट्रिप प्लान कर सकती हूँ तो तू शादी क्यों नहीं कर सकती? देखिए तुम और तुम्हारे पिताजी के पास बहुत पैसे हैं, हमारे पास नहीं है ऐसा। ब्रालेट पहनने के लिए मालदीव जाऊँ, शादी करूँ, इससे अच्छा मेरे को नहीं पहनना है, तू ही पहन और यही कर, यही डांस कर। कपड़ों में शॉर्ट लेना बंद कर यार, मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। तू बोली चेंज करके आई हो, तूने यही पहना है दिखाने के लिए यार। ऑर्गेनिक का ये अच्छा है, बहुत ये है क्या अपना फेक है तो ये गोवा से ही है क्या? हाँ पहन के दिखाना, याद नहीं है प्लीज दे होने एक बार दिखा दो सही वो एग्जैक्टली क्या चीज है। दिखाया मैं देखो। अरे तूने ठीक से नहीं दिखाया, ऐसे लोगों के सामने शर्म आता है। पहनने कौन बोल रहा है, देखो तो पकड़ के दिखा। ओह शिट, ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। अभी थोड़ा नेक्स्ट मंथ रीना का ब्लॉग आएगा। हाय गाइस, आई एम इन मालदीव्स, लुक एट मी, आई एम लुकिंग ग्लैमरस, दिस इज माय फ्रेंड मनोज। गाइज रीना इतनी अमीर है, उसके पास टूथपेस्ट क्या बोलते हैं इसको, इतना बड़ा सॉरी ब्रश को इतना बड़ा कवर ब्रश, ब्रश यार तू मेरे को टपली क्यों मार रही है? लेकिन बोल ना, बोल उसको टूथब्रश को टूट इतना ब्रश, बड़ा कवर है। हाँ और हमारे ये क्या है? ओफ मेरे को लगा ये कुछ और है। तेरी मम्मी को भेजूंगी मैं ब्लॉग अभी, बोल पानी है यार क्या पका रही है, जो शिफ्ट आया ना टॉपिक में मस्त एकदम। मेरी मम्मी शालिनी आंटी सब एक साथ, मेरी मम्मी ने गिव अप कर दिया है, मतलब अभी पता है मेरी मम्मी को। गाइस फॉर पीपल ऑफ कोर्स किसी को पता नहीं लगा सुमंगल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम लोग सेम सोसाइटी में बड़े हुए हैं, फिर याद ना 5th-6th स्टैंडर्ड में शिफ्ट विफ्ट हो गई और एक बड़े सोसाइटी चली गई जो सामने ही है। हाँ जो सामने की हमारा सोसाइटी ना यार तुम लोग का पुराना। हाँ बट खेलने के लिए ये हमारे सोसाइटी में आती थी, फिर थोड़े टाइम बाद आ गई औकात पे, मतलब फिर हमारे पास आई, प्लीज मुझे भी ले लो। बाय द वे याद ना बचपन में बहुत बोल दे सबको, बोल ना बहुत दादागिरी करती थी। साइज देख के कोई बोलेगा नहीं लेकिन सटल दादागिरी। बट मेरे सामने तो छोटी है ना तो मुझे बड़ा ही फील होता था। तू बचपन जैसे क्यों बात कर रही है, मेरे सामने तो छोटी है ना, थोड़ा ड्रामा ऐड कर रही हूँ तेरे ब्लॉग में। से सूट होना चाहिए ना। सूट नहीं मैंने टी शर्ट पहना है। ठीक है फालतू का। मैं और रीना बहुत शर्ती को दम करते थे, उससे क्या क्या कराते थे, रस्ते पे नचवाते थे। रॉन्ग साउंड कर रहा है बट ठीक है। ये बहुत ही बड़ा रिवीलेशन किया है, कितना पैसा मिला पैंट से? 50। ये धोखे आया हुआ 50 रुपया। हम लोग नीचे जाके वो नींबू पानी पीते हैं। रीना बहुत अमीर है वैसे। याद ना अब एक एक्ट्रेस का एक्टिंग करेगी, प्लीज याद ना डू द ऑनर्स। किसका एक्टिंग करूं? उसका एक्टिंग करेगी। अरे ना जानवी बोल रही थी कि वो बहुत फेक है, बहुत क्रिंज। ओहो ए मत बोल। ये खुद भी कर रही थी, तू बोली वो बहुत क्रिंजी एक्ट करती है तो मैंने बोला कि हाँ वो बहुत झूठी बिहेव करती है इसमें, कि मुझे 80s के हीरोइन अच्छे लगते, 90s के हीरोइन अच्छे, मुझे मधुबाला अच्छी लगती है, मुझे थोड़ा तू सर भी हिला रही थी, मीना कुमारी अच्छी लगती है, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय देम, देयर एक्टिंग, उनका डांस दिखता तो नहीं है कुछ भी उसके से इंस्टाग्राम पे और लाइफ में, नहीं वॉलीवी। मीनवाइल रीना ये हार डोंट टेक। गाइज मैं और याद ना अभी तक ट्रॉमेटाइज्ड है रीना का रूम देख के, ऐसा नहीं कभी हुआ है ना। हाँ, ये जिंदगी में पहली बार रीना का रूम इतना गंदा दिख रहा है। तेरे लिए डोसा लाया वो प्लीज खा, सैंडविच भी लाने वाली थी ना। नहीं था सैंडविच वाला, मैंने सोचा था मैं दो डोसा दो सैंडविच या ऐसा कुछ तो लाऊंगी। तुम और तुम्हारे पिताजी के पास रीना के पिताजी से और रीना से भी ज्यादा पैसे है। नहीं ये सस्ता वाला डोसा है और मस्त वाला डोसा है, मैंने कितने महीनों के बाद खाया। चल एक काम कर तू ये खा, ये मैंने तो झूठा के एक खा ले, झूठा खाने से प्यार पड़ता है। ओह गॉड मेरे को नहीं चाहिए, क्या है दही यार ये फ्लेवर्ड दही सच में अच्छा रहता है क्या? मेरे को ऐसा लगता है कि दही नहीं है ये योगर्ट है, उन्होंने कर्ड बोला होता ना। योगर्ट क्या होता है? दही होता है ना, फैंसी वर्ड फॉर दही। ये डोसा वाले का ग्रीन चटनी बहुत अच्छा रहता है। दिस इज फ्रॉम गवनपाड़ा मोंजिनीज के बाहर वाला डोसा वाला। हाँ अभी गूगल करो गवनपाड़ा किधर आता है। गवनपाड़ा मुलुंडीज, मुलुंडीज
ठीक है थैंक्स यादना, और कुछ बताने का डिटेल? उसका टेस्ट अभी तक नहीं बदला है, मैंने कितने मंथ्स के बाद खाया है, मिसेस डोसा। तू ऐसा बात कर रही है जैसे तू एम्स्टरडैम शिफ्ट हो गई है। नहीं मैं शिफ्ट कहाँ हुई हूँ, मैंने तो नहीं कहा ऐसा कुछ, मैं बस लॉकडाउन की वजह से वो नहीं था। अच्छा मैं तो यही अटक गई, लेकिन तू बीच में कुछ तो हुआ, वो सबको दिख गया कि तू अटक गई। डेनमार्क शिफ्ट हुई है, डेनमार्क। अच्छा डेनमार्क की वाट लगाएगी मैं तेरी। अच्छा थक गई आता बिचिंग करके, खुद की चीजें रिवील करके, अभी वाइन पी रही है। थोड़ा मुंह तो बना वाइन पी के, ऐसा बनाते मुंह तो कैसा बनाते? मैं एक्चुअली वाइन पी के एकदम ऐसा ऐसा। तू दूध पी के भी वाइन करती है? ए दूध पी के नहीं करती, क्या फालतू कह रही है ये। मेरे को ऐसा लगता है मेरे लाइफ में जो भी है लोग, उनको मेरे दूध पीने से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत डिस्गस्टिंग। यादना तो है ही, उसका मत देखो एक्सप्रेशन, बट मुझे अच्छा लगता है बॉर्नविटा और कॉफी पीना। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम लड़की हो। शादी के लिए मस्त एकदम सैटिन वाली, सैटिन वाली एकदम पारसी आंटी लगने वाली, एकदम सेक्सी पारसी। देखो पारसी आंटी बोलो, आंटी बोलिए उसके आगे, उसके आगे मेकअप करने के लिए पारसी आंटी, सेक्सी पारसी आंटी। कुछ भी यार याद ना, तेरे को नहीं लगा था? मैं देख रही थी क्योंकि नीचे थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद क्या क्यों अच्छा रिवाइंड करूँ तेरे को देखने का करके, क्यों तू ऐसी है क्या? वीडियो हम लोग से बात करें ऐसी, तुम लोग देखो ब्लॉग मैन गाइस, कमेंट डाउन बिलो, कमेंट डाउन मैं गाउटी और ये कमेंट डाउन बिलो। क्या बोला तू वाला? अरे इतनी क्या गलत बोला मैंने? अरे क्या इसको अभी समझा क्या कमेंट बिलो। यादना पूरी लाल हो गई, पता है ऐसा लग रहा है रो रही है, याना रो रही है कि हंस रही है सबको बता दे। दिल से हंसी आई, याना रो मत यार, दिल से जैसे बुरा लगता है वैसे दिल से हंसी आई। क्या सड़ेला जोक मारा और खुद ही हंस रही है खुद के जोक पे। तेरे कहाँ लगा है धूल, हमेशा यूज करती हूँ पानी ऊपर से। 28 डेज क्लोइटिंग का मेरा 15 दिन हो चुका है क्लोइटिंग। अरे डार पंडित जी कॉल रहे थे, एक काम दिया है तेरे को। कभी बोला ए, कुछ भी बोलती है, बोला तो मैं। ये लोग दोनों ऐसे ही है, बहुत बुलीज है, बुल डुक्कर। तो सिर्फ हम लोग के बारे में, खुद के बारे में नहीं बताएगी? सॉरी बुल डुक्कर नहीं होता है, बुल हाथी नहीं। ये वीडियो हाथी कैसे हो सकता है? अरे बाप रे ये क्या है? ओफ रीना बहुत अमीर है यार। तू मेरे को स्क्रंची देने वाली थी, तेरे को इतना ढेर सारे स्क्रंची मिले थे। ये स्क्रंचीज वूलनवेस में 10-10 रुपए के आते हैं, 20 रुपए का। बट तू मुझे स्क्रंची देने वाली थी क्योंकि तूने मेरे बहुत सारे स्क्रंची ढापे। एक ढापा था, बहुत सारा नहीं ढापा था। प्लीज ये क्या शॉट ले रही है? अरे ये क्या है, क्या हो गया तेरे मुंह को? ड्राई हो गया है। नॉर्मल लोग अपने मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, लेकिन रीना अपने मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगाती है। मुझे एक बात बता, कोई बात ही नहीं करता ठीक से, सब हंसते रहते। स्किपिंग रोप नहीं है, नेक बैंड बोलती है। क्या हो गया? नेक बैंड है ये मीवी का। तेरे हाइट के लिए ये अच्छा है क्या? इसकी स्किपिंग तेरा हाइट मत बोल, अपना हाइट ही ना, हम दोनों पतले हैं। ए डीप मॉइस्चर है, मॉइस्चर है, एकदम डीप करता है, तो ये अच्छा है, रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड। रीना तेरा वो भी आया जिंदगी में कभी ये मत लेना, ये इतना बकवास प्रोडक्ट है, इतना बकवास प्रोडक्ट। पहली बार लाइफ में मैंने 1750 रुपया किसी प्रोडक्ट पे डाला रहेगा, और वो ये इस पे 1700 इस पे क्यों डाला? लेकिन और वो भी सेल तक रुकी थी, ये बोली थी कि बहुत अच्छा, पर वो झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। क्या होता है? मस्त दिख रही है, वाओ क्या लगा है तुमने, किधर लगा है? चल मैं भी लगा, अभी मस्त दिख रही है, किधर लगा है? वो एक मेरा जोक था एक्चुअली, दिख रहा है नहीं किधर लगा है। तू क्या सीसीटीवी कैमरा में क्यों तू स्माइल प्लीज बोल रही है? सीसीटीवी कैमरा ये देख,
ऐसा करते हैं ना, अभी इसके आगे क्या करने का? इसके आगे क्या करने का? कुछ तो लोग एक तो तुम लोग को पता नहीं, तो ये रीना और शरदी क्या क्लब है नीलम नगर में, एक तो सब किटी पार्टी को भी इन्विटेशन रहता है, सब किटी पार्टी रहता है ना, पार्टी और अपने पेरेंट्स भी इसमें रहते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन डिनर लंच ऐसे बुलाते हैं एंड उनको फ्री स्टफ मिलते हैं एंड दे डोंट शेयर, फिर उनको बचपन में डांस में भी अलग एक स्पेशल अवार्ड मिलता है दोनों को स्टेज पे बुलाते हैं। यादना के डैड इतना बड़ा बटरफ्लाई बना के उसको भेजते थे स्टेज पे और वो स्टेज पे जाके और एक डायलॉग बोला भी था, आई एम बटरफ्लाई, तो ये यूजलेस है। मैं अकेली नहीं जाती स्टेज पे, पर मैं डांस बहुत अच्छे से कर देती हूँ। ग्रुप में सब हुलाहुल कर सकते हैं, अकेले जाने का दम होना चाहिए सब में। और ये क्या, ये हर साल एक टीचर और तू क्या सोलर सिस्टम, एक बार बनी थी सोलर सिस्टम जिसमें आगे जाएगी नहीं। साल मैं टीचर बनी, फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल बनी। वाइस प्रिंसिपल एक मिनट, मेरे को एक कंफ्यूजन चाहिए, लोग प्रिंसिपल बनते हैं जो स्टूडेंट बनते हैं, वाइस प्रिंसिपल कैसे बनी थी, बोलो ये आया कैसे दिमाग में कि मैं वाइस प्रिंसिपल बन रही हूँ। मेरे बाल के पास बहुत कम कंसेप्ट्स थे, एक सारी टीचर, ये हम लोग फैंसी ड्रेस का बात कर रहे हैं, फैंसी ड्रेस का भी पता, हम लोग सेम स्कूल में नहीं थे। हाँ, सोसाइटी बहुत लिट था, गणपति का फेस्टिवल होता था जो काफी बड़े स्केल पे होता था, हम और बड़े वाले सच में बहुत बड़े स्केल में, उतना बड़ा मतलब हम लोग डांस प्रैक्टिस भी 2 महीने पहले स्टार्ट करते थे, 2 दिन के डांस होते थे, फैंसी ड्रेस होते थे, ड्राइंग के ड्राइंग होते थे, स्पोर्ट्स होता था, लाइफ का बड़ा ओलंपिक से बड़ा हम लोग सोसाइटी का गणपति का फंक्शन। सर रीना उसमें टीचर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एक हेड वाइस प्रेसिडेंट तो कोई नहीं बनाता है, यादना थोड़ा डिबेट हो गई, टीचर हेड मिस्ट्रेस तो ढूंढ रही थी क्या क्या बनी थी करके, फोन के लिए बीच में मना लिखा मैंने, मुन्ना पढ़ा मुन्ना रीना तो कितनी रैंडम है, चालू वीडियो के बीच में वीडियो बंद करना करती, क्यों क्यों करूं मैं, बोले तेरा नाम मेरे फोन में मना था तो शरदी को लगा ये पार्टिसिपेट नहीं करती, ये पार्टी प्रसाद करती थी, बहुत गंदा जोक था, हंसना प्लीज प्लीज हंसना। 10 दिन पहले रीना ने यादना को डार्क फैंटेसी का पैकेट खोलने बोला था एंड फाइनली इट्स ओपन बोला था, इट्स ओपन, इट्स ओपन इन माय माउथ माउथ, सॉरी सर, तो जो मैं लोगों को अगर हाय ऐसे ही बोलते तो हाय कैसी है बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ कन्नो गैंग के साथ चीजें कट करनी पड़ती है, बट आई रियलाइज कि लड़कियों के साथ भी बहुत सारी चीजें, पर अपन ने चीज खाया ही नहीं, चीज चीज खाया ही नहीं, मतलब चीज कट करना पड़ेगा तो बोल रही थी कट कर, कट नहीं इसको निकल रहे तेरे घर से निकल निकल, मैं फ्रेम से आउट हो जाती हूँ। Guys, we're going down and रीना ने यादना को लिफ्ट के बाहर बंद कर दिया, अच्छा मैंने किया पर गलती से हुआ, ये रीना बात कम हंसती ज्यादा है, पूरे व्लॉग में तुझे हंसी रही है रीना, चल जाते हो गई भाड़ में, क्या बोल रही है, मेरे बिल्डिंग में एक ऑटो है, वाओ यार ग्लैमरस है एकदम बिल्डिंग तेरा, ब्यूटीफुल, इसमें ही जाते हैं ना, फिर वो सामने ही जाना है ना, बंद हो गया, हम लोग वहाँ जा रहे थे लिंबू पानी पीने, बंद हो गया अभी क्या, अरे रो मत यार, रो क्यों रही है, चलते हैं, कभी कभी होता है ऐसा, रो मत, लिंबू पानी पीना था, कहीं और नहीं मिलता है लिंबू पानी, ऐसे तो मेरे घर पे भी बना सकते थे अपन, अरे रोना तू बोलेगी और मैं रोऊंगी, तुझे ऐसा लगती हूँ क्या, मैं रो लाइफ में बहुत खुश हूँ मैं, समझा ना, तेरे हाइट में, मेरे लाइफ में, लाइफ में, देखो चाचा मास्क मस्त है, रीना मैं पहली बार ये टाइप की छतरी देख रही हूँ, कैन यू प्लीज इलैबोरेट योर छतरी टू एवरीवन, दिखा दे सबको ये क्या टाइप का छतरी है, मेरे को लगा तू थैली पकड़ रही है, ओह शिट, ये जो साइंटिफिक टाइप का छतरी कहाँ से लिया तूने, पूरे व्लॉग में रीना ने यही किया, पता है क्या, बात कम करती है और हंसती ज्यादा है, क्या जोक मारा उसको ही समझ में आता है, तू मॉडलिंग कर उसके साथ, गो 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 5 6 7 गो, चेंज 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 चेंज, यादना मॉडलिंग करने बोला है, वो म्यूजिकल चेयर खेलने नहीं बोला है, मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं, चेंज
change. हो गया मॉडलिंग से गाउटी गिरी पे आ गया. वाओ ओ माय गॉड एथलीट ओलंपिक्स बिना छतरी का मॉडलिंग कर. चल 5 6 7 गो चेंज. वी फाइनली फाउंड अ प्लेस जहाँ पे मे बी हमें डाइन इन मिल सकता है. टी एंड कॉन्वर्सेशंस doesn't have a lot of chill places, so cute, chill, cool, hot, funny, witty, जो मैं हूँ वैसे places यहाँ पे है नहीं, तो ये खुला है तो बहुत खुश है. Reena in her real element, गरम पीना बोल रही है. मूवी तो मंगा लिया, जो भी आदना खत्म करेंगे. बहुत ही चतुरता वोड़ेवो के साथ रीना बोल रही थी ये मास्क पहनो, मास्क किधर है. और आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट रीना का मास्क टूट गया. वो भी हंस रहे तेरे पे, देख सब लोग हंस रहे तेरे पे. और ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी पूछा था मेरा मास्क कैसा है. रीना भाग मत तू. वी जस्ट हैड एन अमेजिंग तो थूका तूने मेरे मुंह पे रीना. डिनर अमेजिंग डिनर एट दिस अमेजिंग कैफे एंड टी एंड कॉन्वर्सेशंस इन मुलुंड. Yes, recommended. सच में बहुत अच्छा खाना था. And we just had a great time. See you next week, next Sunday with a new vlog. Yes, thank you so much for watching. Hit up, like, subscribe, comment, share, follow my Instagram and page. And also give one thumb, Shari, please. Link Yadna's Instagram. Yadna is a designer and illustrator. Na, तेरे को कुछ promote करना है? नहीं, मेरा private account है. Bye. मत follow करना मुझे. ये रीना वो नकचड़ी लड़की आ रही थी. प्लीज हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है प्लीज. रीना यार हम लोग फोटो ले रहे थे अंदर थंबनेल, उधर भी हिचकी आ रहा था. वो बेचारा फोटो लेने वाला भी नहीं, अब कर लो मैं रखता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द कॉन्ट्रोवर्शियल किड. बाय.